बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे सूर्य और शनि के संबंध के बारे में। सूर्य और शनि का संबंध जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है और किन किन जगहों पर असर डालता है, आज इसको जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य और शनि का जो संयोग है, सूर्य और शनि का जो संबंध है, ये महत्वपूर्ण क्यों समझा जाता है। देखिए, सूर्य ग्रहों का राजा है और दुनिया भर में प्रकाश का कारक है। शनि ग्रहों का सेवक है और मुख्य रूप से अंधकार से संबंध रखता है। तो सूर्य है प्रकाश और शनि है अंधकार। इसलिए प्रकाश और अंधकार जब एक साथ मिलते हैं तो ये संयोग अद्भुत और विचित्र परिणाम पैदा करता है। सूर्य को शनि का पिता माना जाता है और शनि सूर्य से शत्रु भाव रखता है। इस प्रकार ये संबंध पिता पुत्र का भी है और शत्रुता का भी है। अगर सूर्य शनि का संयोग कुंडली में है तो ये पिता पुत्र के रिश्तों पर, वैवाहिक जीवन पर, स्वास्थ्य पर और नाम यश पर सीधा असर डालता है। अब ये जानते हैं कि सूर्य और शनि का अगर संबंध हो तो इसका प्रभाव, इसका असर पिता पुत्र के रिश्तों पर कैसा पड़ता है। देखिए, पिता पुत्र किसी भी कुंडली में सूर्य शनि का संबंध रिश्तों के लिए अच्छा नहीं होता। अगर पिता की कुंडली में या पुत्र की कुंडली में ये योग हो तो मुश्किलें आ जाती हैं। अगर शनि बहुत खराब ना हो तो विचार नहीं मिलते, वैचारिक मतभेद पैदा होता है। और अगर शनि काफी खराब हो तो पिता पुत्र में संबंध टूट जाते हैं। अगर शनि अस्त हो गया हो तो पिता या पुत्र के लिए जीवन का संकट आ जाता है। क्या उपाय करना चाहिए? नित्य प्रातः सूर्य को तिल मिला हुआ जल अर्पित करें। ये उपाय वो करेगा जिसकी कुंडली में योग हो। हर शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का रोज शाम को पाठ करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। अब जानते हैं कि सूर्य और शनि का जो संबंध है ये वैवाहिक जीवन पर, मैरिटल लाइफ पर कैसे असर डालता है। देखिए, सूर्य और शनि का संबंध पति और पत्नी के विश्वास को कमजोर करता है। जिसकी भी कुंडली में ये योग होता है उसे दूसरे से जीवन में पीड़ा झेलनी पड़ती है। अगर सूर्य ज्यादा मजबूत हो तो वैवाहिक जीवन में मारपीट और हिंसा की नौबत आ जाती है। अगर शनि मजबूत हो तो काफी समस्या झेलने के बाद विवाह विच्छेद हो जाता है, विवाह टूट जाता है। क्या उपाय करेंगे? देखिए, उपाय वही करेगा जिसकी कुंडली में ये योग होगा। रोज शाम को तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं। सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें। हर रविवार को गुड़ और गेहूं का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। अब जानते हैं कि सूर्य और शनि का संबंध सेहत पर कैसा असर डालता है। देखिए, इसके कारण हड्डियों की समस्या, स्नायु तंत्र की यानी नर्वस सिस्टम की समस्या या आंखों की समस्या हो जाती है। कभी कभी रक्त संबंधी या हृदय संबंधी समस्या भी हो जाती है। ये समस्या काफी लंबे समय तक चलती है और व्यक्ति जल्दी इससे मुक्त नहीं हो पाता है। क्या उपाय करना चाहिए? भोजन में गुड़ और गेहूं का प्रयोग करें। एक तांबे का छल्ला अनामिका अंगुली में धारण करें। रोज सवेरे ओम हौं जूं सः, ओम हौं जूं सः इस मंत्र का जप करें तो बहुत अच्छा होगा।
अब ये जानते हैं कि सूर्य शनि का संबंध नाम और यश पर कैसे असर डालता है। सूर्य शनि का संबंध हो, सूर्य अच्छा हो तो नाम यश देता है, मान सम्मान बढ़ाता है। लेकिन अगर सूर्य शनि से पीड़ित हो जाता है तो ये अपयश भी देता है। ज्यादातर सूर्य शनि के संयोग की वजह से व्यक्ति बिना कारण फंस जाता है, अनावश्यक बदनामी होती है और कभी कभी जेल जाने की नौबत भी आ जाती है। क्या करना चाहिए? जिसकी कुंडली में ये योग हो वो नित्य प्रातः सूर्य देव को रोली मिलाकर के जल अर्पित करें, सूर्य के सामने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, रविवार को गुड़ का और शनिवार को काली दाल का दान करें और जहां तक हो सके नशे से बचाव करें।